दोस्तों 5G स्मार्टफोन्स की चर्चा मार्केट में बहुत जोरों से चल रही है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको 2021 में 5G स्मार्टफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। स्मार्टफोन्स हो या डिवाइसेज हो, कोई भी 5G डिवाइस आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारी कंपनी से जो 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही थी अभी फ्लैगशिप लेवल में, अब ये मिड रेंज में आ रही है और अब धीरे धीरे एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स यानी कि जो 6,000-8,000 के स्मार्टफोन्स आते हैं उनमें भी आपको 5G देखने को मिलेगा। तो क्या आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा? क्योंकि यार जनरली हम सभी लोग इसी वे में सोचते हैं कि अगर हमने 5G स्मार्टफोन आ गया है तो हम इसे खरीद लेते हैं, तो इन फ्यूचर जब भी 5G नेटवर्क आएगा तो हम इसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। यहाँ पर आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि भाई कब आएगा, कितना टाइम लग जाएगा, क्या ये सही से काम करेगा या नहीं करेगा, क्या कुछ है, क्या क्या फेजेस आएंगे, क्या क्या इश्यूज आएंगे, सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तभी आप एक डिसीजन सही ले सकते हो। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने सोच रहे हो तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं भी सोच रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देखना क्योंकि बहुत नॉलेजेबल वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को दबाना है ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना हो जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहो वीडियो पे, फटाक से वापस आते हैं। तो और बताओ यार कैसे हो। दोस्तों वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अभी लास्ट संडे को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने अमेजॉन की सेल्स से रिलेटेड बातें करी थी, जहां पे मैंने अलग अलग कैटेगरीज में टॉप 3 प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और वहीं पे मैंने बात की थी TWS ईयरबड्स की। और यार हमारे चैनल के यानी हमारे टेक्निफाइड चैनल के एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कमेंट किया था और बताया था कि जो हमने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है रियलमी का उसकी जगह पे साउंड कोर का प्रोडक्ट रख सकते थे, यानी साउंड कोर का ईयरबड आता है उसे रख सकते थे। हमें आपको यहाँ पे जो कमेंट उनका दिखा देता हूँ, और यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स आते हैं क्योंकि यार हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी फैमिली जो बन रही है वो एक अवेयर है टेक्नोलॉजी से, और यार वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे तो कुछ भी मान लेंगे। तो यार मुझसे भी गलती होती है, बहुत बार हम लोग चीज़ों को नहीं एनालाइज कर पाते या इतने सारे ब्रांड्स हो जाते हैं, एक्चुअली में कोई ब्रांड अगर छूट गया तो गलती हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो ऐसे, हमें भी बताते हो, और मैंने उनका कमेंट भी पिन किया था ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। तो थैंक यू सो मच, आपका नाम मैं लेना चाहूँगा, इंजमाम अहमद नाम था जी इनका, और यार सॉरी अगर आपका मैंने नाम सही से प्रोनाउंस ना किया हो। तो थैंक यू सो मच यार। दोस्तों मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे कमेंट किया करो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, या हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो, बिल्कुल मैच ना करें, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि यार ऐसा नहीं है, आप जो बता रहे हो गलत बता रहे हो, ताकि हम भी उस चीज़ को देखें, हम लोग समझें और हम सभी लोग साथ में आगे ग्रो कर सकें और मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, आपके लिए बेहतरीन कॉन्टेंट ला सकूं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात कर रहे थे यहाँ पे 5G स्मार्टफोन की, क्या आपको 2021 में लेना चाहिए 5G स्मार्टफोन या नहीं लेना चाहिए। तो यार यहाँ पे 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों आपको 5G स्मार्टफोन अभी नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं यार, तो 5G स्मार्टफोन्स जितने भी आ रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू 4G स्मार्टफोन्स। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट यही है। क्यों है ऐसा मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यार जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरुआत में थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि उसकी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जिस वजह से उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। और अगर इन कंपनीज को ये डिवाइसेज 5G डिवाइसेज आपको 4G डिवाइसेज के कंपैरिजन में लाने होंगे, लेवल पे लाने होंगे, यानी कि अगर एक 4G स्मार्टफोन आपका 10,000 का है और 5G स्मार्टफोन भी आपको 10,000 में देना है, तो यार यहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग करेंगे, या तो आपके प्रोसेसर के साथ है जो ऊपर नीचे कर देंगे, प्रोसेसर डाउनग्रेड करेंगे या कैमरा डाउनग्रेड कर देंगे, या फिर आपके बैटरी को डाउनग्रेड कर देंगे, कुछ ना कुछ डाउनग्रेड करके ये आपको उस लेवल पे दे सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप जो 4G के कंपेयर करोगे तो 4G में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इन कंपेरिजन टू 5G के स्मार्टफोन, अगर सेम प्राइस है तो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 5G स्मार्टफोन है तो वो बेकार होगा, बेकार नहीं है, बेकार अच्छे हैं वो स्मार्टफोन, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी नई है इस वजह से वो थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको इन कंपेरिजन टू 4G स्मार्टफोन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा पॉइंट जहाँ पे बात करेंगे हम बैटरी कंजम्पशन की, जी हाँ दोस्तों, बैटरी कंजम्पशन आपको 5G स्मार्टफोन्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि यार यहाँ पे अभी 4G नेटवर्क्स हैं, 5G नेटवर्क्स नहीं है। तो एक 5G स्मार्टफोन्स में जब आप 4G नेटवर्क्स आएगा तो आपको एक स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इसके जो बैंड्स हैं 5G के बैंड्स और 4G के बैंड्स में आपस में स्विच होते रहेंगे आगे पीछे, जिस वजह से आपकी बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगा क्योंकि ये बार बार है जो ये काम होगा। वही जगह पे अगर आप 4G स्मार्टफोन देखते हो तो 4G स्मार्टफोन में आपको 4G नेटवर्क ही मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई बैंड को चेंज करने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, एज इट इज़ आपके नेटवर्क आते हैं, जैसा वो नेटवर्क आ रहा है आपके स्मार्टफोन में वैसे ही आएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब 5G नेटवर्क आ जाएगा तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, और यार आपको बता दूँ अब जितने भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ लेना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि तीसरा पॉइंट ये है कि भाई 5G नेटवर्क अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, अभी भी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। USA वगैरह में ऑलरेडी 5G रन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर्स को। वो ये कि भाई जैसे कि हम लोग इंडिया में जब देखते हैं कि 4G जब आया था नया, तो क्या हो रहा था, साल भर, दो साल, डेढ़ साल, ढाई साल जो भी थे, ये दो तीन साल जो भी रहे, वहाँ पे आज आपको नेटवर्क इशू देखने को मिला। सम टाइम नेटवर्क है जो सही नहीं आता है, सम टाइम क्या हो रहा था कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती है, और आप बार बार कस्टमर सर्विस को कॉल करते हो, कहते हो कि यार स्पीड नहीं आ रही है, तो वो बार बार वो चेक करते हैं आपका लोकेशन, आपका एरिया चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपके यहाँ जो एरिया है वहाँ पे यूजर्स ज़्यादा हैं, इस वजह से नेटवर्क स्पीड नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई, सब कुछ सही हो गया और एक स्मूथली रन करने लगा, और फिलहाल आप 4G हर जगह एकदम स्मूथली रन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो सेम चीज़ USA वगैरह में भी हो रहा है, वहाँ पे भी 5G रन कर रहा है, लेकिन यही सारी प्रॉब्लम्स अभी भी वहाँ हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इंडिया के अंदर 5G नेटवर्क आएगा, तो जब ये पहले तो इनको एक डेढ़ साल तो लगेगा इसे इस्टेब्लिश करने में, सारी जगह नेटवर्क फैलेगा धीरे धीरे, छोटे शहर से बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह जाएगा। उसके बाद आपकी फीडबैक आएंगे कि भाई नेटवर्क नहीं अच्छा आ रहा है, या नेटवर्क स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, इंटरनेट की स्पीड नहीं अच्छी आ रही, तो ये सारी चीज़ें फेस होंगी। तो यार यहाँ पे जो कम से कम आपको ढाई से तीन साल, साढ़े तीन साल लग जाएगा एक स्मूथ रन करने में एक 5G नेटवर्क हो, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप सोच रहे हो कोई स्मार्टफोन लेने की, और आप सोच रहे हो कि आगे चल के यूज़ करेंगे, तो भाई ढाई से तीन साल आप 5G को कंसीडर मत करो कि 5G बहुत अच्छे से रन करेगा। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की। तो यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है 5G नेटवर्क्स के लिए। अगर मैं जियो को साइड कर देता हूँ, तो आपके पास बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अभी पूरी तरह से रेडी ही नहीं है 5G नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा जियो की वजह से लॉस में है, और इतनी जल्दी वो रेडी नहीं हो सकती है कि 5G नेटवर्क को भी इस्टेब्लिश कर दें। हालांकि जब जियो इस्टेब्लिश करेगा नेटवर्क सारी जगह 5G किसके आएंगे, तो इन्हें भी कॉम्पिटिशन के लिए आना पड़ेगा, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी वो नहीं लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जियो ही मिलेगा 5G के तौर पे, और आपको फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। जितने भी पैसे वो चार्ज करेंगे डेटा प्लान्स के लिए, वो आपके लिए वन एंड ओनली ऑप्शन होगा। आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप इस नेटवर्क को यूज करना चाहे तो जियो का या एयरटेल का, क्योंकि अभी बाकी कंपनीज जो है वो अभी रेडी ही नहीं है। तो यार ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कि क्योंकि यार जब तक सारी कंपनीज लेके 5G को नहीं आएंगी, तब तक उतना अच्छे से चीज़ें परफॉर्म भी नहीं होंगी, और अगर कोई एक कंपनी लेके भी आ जाती है तो वो भी आने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यार ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि अभी है जो नेटवर्क्स इतनी जल्दी इस्टेब्लिश पूरे इंडिया में नहीं हो पाएंगे। तो यार अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, और यार एक पॉइंट भी है और एक सवाल भी है कि क्या हमें 2021 में 5G स्मार्टफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आपका बजट 40,000 50,000 का, यानी कि आप फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स खरीदना चाह रहे हो और 5G है उसमें, तो डेफिनेटली आपको 5G ही लेना चाहिए अगर आप फ्लैगशिप में जा रहे हो तो। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पे आपको प्रोसेसर सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है, रैम अच्छी मिल जाती है, और इस वजह से ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि 5 साल 6 साल 7 साल भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा फेस नहीं होती है। लेकिन अगर आप मिड रेंज के स्मार्टफोन्स लेना चाहते हो या एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स लेना चाहते हो, तो यार मिड रेंज के स्मार्टफोन्स भी आपके 3 से 4 साल ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो भी तीसरे साल में या चौथे साल में धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस भी स्लो होने लगती है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, जब भी आपने कोई नया स्मार्टफोन खरीदा होगा 15,000 16,000 17,000 का कोई भी, तो आपने देखा होगा कि 1 साल 2 साल तो बहुत अच्छा चला है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कभी कैमरे की क्वालिटी खराब हो गई है, कभी प्रोसेसर उसका थोड़ा सा डाउन हो गया है। प्रोसेसर तो डाउन नहीं होता है, इन द सेंस कि जो उसकी परफॉर्मिंग स्पीड है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको फेस होती होंगी, और धीरे धीरे तीसरे चौथे साल में ही वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है स्मार्टफोन्स में। वहीं पे एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स में भी सेम यही प्रॉब्लम होगी, यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप 15,000 16,000 17,000 के स्मार्टफोन्स ले रहे हो, अंडर 20,000 के ले रहे हो, या एंट्री लेवल के ले रहे हो 7,000 8,000 9,000 के, तो इस वक्त 5G स्मार्टफोन को कंसीडर मत करना। अगर प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो आप उसके कंपैरिजन में देखो उस प्राइस पे दूसरे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। दूसरे प्रोडक्ट्स में हो सकता है वहाँ पे प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो सकता है 4G स्मार्टफोन हो, लेकिन प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा हो, रैम अच्छी मिल जा रही हो। ऐसा तो नहीं है कि 5G के चक्कर में आपकी कॉस्ट कटिंग करके आप 5G के चक्कर में ही कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हो जहाँ पे आपको प्रोसेसर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यार फिलहाल के लिए मेरा तो ओपिनियन यही है कि 2021-2022 इन सब में आपको जो 4G स्मार्टफोन पे ही रहना चाहिए, 5G की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है 5G का, तो आप करोगे क्या। और इन्हें आने में भी ढाई से तीन साल मिनिमम से मिनिमम लग जाएगा, और आने के बाद ये कितना स्मूथली परफॉर्म करेंगे, कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी, वो डिपेंड करता है। तो चलो यार
आज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, करते नहीं हो यार सब्सक्राइब, बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लेना। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।